अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। सालों के इंतजार के बाद रामलला की मूर्ति टेंट से एक भव्य मंदिर में स्थापित होगी, लेकिन पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीते दिनों रामलला की मूर्ति को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा था कि रामलला की वो मूर्ति कहाँ है जिस पर सारा झगड़ा हुआ था, वो मूर्ति क्यों नहीं स्थापित हो रही है, नई मूर्ति की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। न्यूटन मतलब कांग्रेस के किसी नेता का पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ वो मूर्ति कहाँ है, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई। दिग्विजय सिंह के सवाल के बाद विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार ने दिग्विजय सिंह के सवाल का जवाब दे दिया है। आलोक कुमार ने रामलला की पुरानी मूर्ति को लेकर न्यूज तक के मंच के खास कार्यक्रम में जवाब देते हुए साफ कर दिया कि रामलला की पुरानी मूर्ति ही नए मंदिर में स्थापित होगी जो गर्भगृह में होगी, लेकिन भक्तों के दर्शन के लिए बड़ी मूर्ति भी लगाई जा रही है। हमारे यहाँ एक नियम है कि प्रश्न पहले संबंधित व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए, जानकारी पूरी कर लेनी चाहिए। हमसे दिग्विजय सिंह जी पूछते तो हम उनकी चिंता दूर कर देते। वह सब मूर्तियाँ गर्भगृह में रखकर, गर्भगृह के केंद्र में रख करके पूजी जाती रहेंगी, इसलिए वो कहाँ गईं, क्यों गईं और बड़ी मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी ये मैंने बताया है। तो वो भी रहेंगी, एक बड़ी मूर्ति भी रहेगी और ये मूर्तियां उत्सव मूर्ति भी होंगी। बता दें कि रामलला की मूर्ति की कहानी 74 साल पहले 1949 से शुरू हुई थी। तब भी अयोध्या में ये विवाद बना हुआ था कि राम मंदिर या बाबरी मस्जिद। 22 से 23 दिसंबर 1949 की रात मस्जिद नुमा गुम्बद के ठीक नीचे रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति देखी गई थी, जिसके बाद हिंदुओं ने कहा कि रामलला प्रकट हुए। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि चुपचाप यहाँ किसी ने मूर्ति आकर रख दी। अगली सुबह भारी भीड़ जमा होने पर ढांचे को विवादित घोषित करके सरकारी ताला लगा दिया गया। 1950 में हिंदू पक्ष ने भगवान के दर्शन और पूजा का अधिकार मांगने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई। फैजाबाद की सिविल जज ने रखी गई मूर्तियां हटाने पर रोक लगाने के साथ हिंदुओं को बंद दरवाजे के बाहर से दर्शन की इजाजत दे दी। तब से करीब 35 से 36 साल तक ऐसे ही चलता रहा। 1986 में ताला खोलने का कोर्ट ने आदेश निकाला, जिसके बाद रामलला की मूर्ति को एक टेंट के नीचे ही स्थापित किया गया था। अब रामलला की मूर्ति एक भव्य मंदिर में स्थापित होने जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार के साथ हमारे YouTube चैनल न्यूज तक के खास कार्यक्रम मंच पर पूरा इंटरव्यू जल्द ही प्रसारित होगा। आप भी पूरा इंटरव्यू जरूर देखें। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।